फूटी थाली तो होती है बजाने को, लेकिन जब नारायण का जन्म हुआ तो फूटी थाली बजाने वाला भी कोई नहीं था। ध्यान रखना, जिंदगी अभाव में जी सकती है मेरे भाई। नारायण कृष्ण वह आत्मा है जो जन्म से ही कर्म योग का पाठ पढ़ा रहे हैं सारी दुनिया को, कि जिंदगी में हमेशा सद्भाव रहे। कोई जरूरी नहीं है, अभाव की जिंदगी भी आ सकती है, और इतना भी अभाव आ सकता है आदमी को कि तुम्हारे जन्म पर खुशी का इजहार भी ना किया जाए। ध्यान में रखना, नारायण कृष्ण उस कुल में पैदा हुए जिस कुल में और भी महापुरुष हुए। ऐसा किसी का कुल नहीं है जो नारायण कृष्ण का था। नारायण कृष्ण के वंश में ही उनके चचेरे भाई समुद्र विजय के पुत्र जैनों के तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ करता है। एक तरफ अवतार पुरुष है, एक तरफ तीर्थंकर परंपरा है। उसी परिवार में एक अवतार लेता है और उसी परिवार में एक तीर्थंकरत्व को पैदा किया करता है। कैसा महान परिवार होगा। एक जैनों का नाम रोशन कर जाते हैं भगवान नेमिनाथ, तीर्थंकर नेमिनाथ ने श्रवण परंपरा का उत्थान किया तो नारायण कृष्ण ने वेद परंपरा का उत्थान किया। ये दोनों, एक आदमी ने पूछा कि महाराज आप जैन होकर के जन्माष्टमी मना रहे हैं। अरे तुम जन्माष्टमी की बात करते हो, तुम तो मनाने की बात करते हो, मैं तो ये कहता हूं कि जरा कृष्ण और नेमिनाथ से पूछना कि जैन होकर और एक वैष्णव होकर के एक घर में पैदा क्यों हो रहे हैं। एक ही वंश में जिनका जन्म हुआ, यादव वंश में जिनका जन्म हुआ, यादव कुल शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है। और मैं तो कहता हूं कि श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा का नाता यदि कोई है तो ऐसे नाता है कि जैसे शरीर में शिराओं का नाता रहता है, जैसे शरीर और आत्मा का संबंध रहा करता है, वैसे दो भाइयों का जो रिश्ता है वो हिंदू परंपरा और जैन परंपरा का रिश्ता हुआ करता है। और ये रिश्ता मैं पुलक सागर नहीं बना रहा हूं, ये रिश्ता नारायण कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ बनाकर दुनिया से चले गए। ये अमिट संबंध है, अटूट संबंध है। इसलिए आप देखिए कि जैनों के बहुत सी क्रियाएं वैष्णव की बहुत सी क्रियाएं सामान्य हुआ करती।